ओम शांति। सुनते हैं 22 फरवरी 1884 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं के चार कंबाइंड स्वरूप कौन से हैं, फिर कौन सा समर्थ संकल्प का इमर्ज रूप नई सृष्टि रचेगा, फिर ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति क्या बोले, तो सुनते हैं 22 फरवरी 1884 की अव्यक्त महामुरली। संगम पर चार कंबाइंड रूपों का अनुभव, ये है मुरली का टाइटल। सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले वरदाता बाप अपने विजयी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देख रहे हैं, सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को अच्छी रीति जानते हो, एक श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो, सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस श्रेष्ठ शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रहे हो। है पुराना शरीर लेकिन बलिहारी संतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। इसके द्वारा कितना पुण्य कर रहे हैं बलिहारी शरीर की, जिसके द्वारा कितनी बाबा की सेवा कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्ममानी बन, कर्मयोगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। ये हो गया पहला कंबाइंड। अब सुनिए दूसरा, दूसरा अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अब कर सकते हो, और वह क्या है, वह है आप और बाप, इस कंबाइंड रूप का अनुभव। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, सदा सर्व के विघ्न विनाशक, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बनाता है। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनाता है। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहज याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओ, विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। अभी विधि से ज्यादा समय लगता है, सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है, लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे तो विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी, पुरुषार्थ से प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है हर कार्य में सिद्धि हुई ही पड़ी है, यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो। तीसरा कंबाइंड रूप, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी, विश्व सेवा के लिए। हाँ, इस व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे,
यह अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोल चाल व्यक्त भाव के स्वभाव व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। भाव बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा व्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। स्मृति में है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, अब स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप निरंतर स्वतः और सहज हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता, कभी भूले कभी स्मृति में आवे, इस स्मृति में रहना पहली स्टेज है। स्वरूप बन जाना यह श्रेष्ठ स्टेज है। चौथा है भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप, क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। कब लक्ष्मी बनेंगे कब नारायण बनेंगे, वाह, भविष्य प्रारब्ध का एक कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो। आज फरिश्ता कल देवता, अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी देवता, अपना राज्य अपना राज्य स्वरूप आया कि आया बने कि बने, ऐसा संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली हो, क्योंकि आपके स्पष्ट समर्थ संकल्प के मर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा अर्थात सृष्टि पर लाएगा। आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि मर्ज नहीं हो सकती। जब हम सब ब्राह्मणों का संकल्प इमर्ज होगा ना, बस भविष्य नई दुनिया आई के आई, बस फिर परिवर्तन हो जाएगा। आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि मर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया पहला पार्ट बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ चलेंगे के वायदे कारण इंतजार कर रहे हैं। अकेला ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए तो अकेला क्या करेगा, साथ में पढ़ने वाले खेलने वाले भी चाहिए ना। इसलिए ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति बोले, मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी अव्यक्त स्थिति धारी फरिश्ता रूप बनो। फरिश्ता सो देवता बनेंगे, समझा। इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा से रूरोहन करने व मिलन मनाने की इच्छा तीव्र है। सभी समझते हैं क्या हम ही आज मिलने में, परंतु इस दुनिया में तो सब देखना पड़ता है ना। सूर्य चांद के अंदर की दुनिया है ना, उनसे परे की दुनिया में आ जाओ तो सारा समय बैठ जाओ। कितना अच्छा चतुर सुजान बाबा का उत्तर है। साकार में हर एक चाहता था बाप दादा से डायरेक्ट काफी देर मिले, पर नहीं सबको मौका मिलता था। तब बाबा जवाब दिया, इस दुनिया से परे आ जाओ तो सारा समय बैठ जाओ। बाप दादा को भी हर बच्चा अपनी अपनी विशेषताओं से प्रिय है। कोई समझे ये प्रिय हम कम प्रिय, ऐसी बात नहीं है। महारथी अपनी विशेषता से प्रिय है। बाप के आगे अपने अपने रूप से सब भी महारथी हैं, महान आत्माएं हैं ना, इसलिए महारथी। ये तो कार्य चलाने के लिए किसको स्नेह से निमित्त बनाना होता है।
नहीं तो कार्य के निमित्त अपना अपना स्थान मिला हुआ है। अगर सभी दादी बन जाएं तो काम चलेगा क्या? निमित्त तो बनाना पड़े ना। वैसे अपनी रीति से सब दादियां हों, सभी को दीदी व दादी कहते तो हो ना, फिर भी आप सबने मिलकर एक को निमित्त तो बनाया है ना। सभी ने बनाया व सिर्फ बाप ने बनाया, या सिर्फ निमित्त कारोबार अर्थ अपने अपने कार्य अनुसार निमित्त बनाना ही पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप महारथी नहीं हो, आप भी महारथी हो, महावीर हो। माया को चैलेंज करने वाले महारथी नहीं हुए तो क्या हुए? बाप दादा के लिए सप्ताह कोर्स करने वाला बच्चा भी महारथी है, क्योंकि सप्ताह कोर्स भी तब करते हैं जब समझते हैं कि श्रेष्ठ जीवन बनानी है। चैलेंज किया तो महारथी महावीर हुआ ना। बाप दादा सदैव एक स्लोगन सभी बच्चों का कार्य में लाने के लिए याद दिलाते रहते हैं। एक है अपनी सब स्थिति में रहना और दूसरा है कारोबार में आना। सब स्थिति में तो सभी बड़े हो, कोई छोटा नहीं। कारोबार में निमित्त बनाना ही पड़ता है, इसलिए कारोबार में सदा सफल होने का स्लोगन है क्या? रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। दूसरे को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, देने में लेना भरा ही हुआ है। रिगार्ड कभी भी प्रयत्न करने व मांगने से नहीं मिलता, रिगार्ड दो रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड लेने का साधन ही है रिगार्ड देना। आप रिगार्ड दो और आपको नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। लेकिन दिल से दो, मतलब से नहीं। जो दिल से रिगार्ड देता है ना, उसको दिल से रिगार्ड मिलता है। मतलब का रिगार्ड देंगे तो मिलेगा भी मतलब का। सदैव दिल से दो और दिल से लो, इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न निरसंकल्प निश्चिंत रहेंगे। मेरा क्या होगा ये चिंता नहीं रहेगी, मेरा हुआ ही पड़ा है और बना ही पड़ा है, निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत याद प्यार। तो देखो आज बाबा ने कितना सुंदर चार स्वरूप कंबाइंड बताए। सदा उसकी प्रैक्टिस करते रहें और नई सृष्टि लानी है तो संकल्प विमर्श करें, आई के आई, आई के आई। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने आज इस मुरली में सुनाया। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करें।